अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आइए नज़र डालते हैं आज की अहम खबर पर। HYC हैदराबाद यूथ करेज, ये एक ऐसा नाम हो चुका है जो हर सोशल मीडिया इसको चर्चों में लाया है और इसका भांडा फोड़ चुका है। इसी के ताल्लुक से हमारे एक चैनल के चेयरमैन जिनका नाम है शहबाज अहमद खान, उन्होंने इससे पहले भी खुलासा किया था कई बार HYC का, और एक नया खुलासा कर रहे हैं आज आपके बीच कि HYC वालों ने एक बीमार इंसान का वीडियो लेकर डाला था, लेकिन गूगल पे पेटीएम वगैरह जो भी अकाउंट है वो नंबर किसी और का डाला था, यानी इनके ही ग्रुप के एक आदमी का अकाउंट नंबर डाल दिया था। तो बहरहाल इसी का खुलासा करेंगे शहबाज अहमद खान। पहले हम आपको शहबाज अहमद खान की एक वीडियो दिखाएंगे, फिर उसके बाद हम आपको ऑडियो रिकॉर्डिंग बताएंगे। तो बहरहाल आप गौर से देखिए और सुनिए, अल्फाजों पे गौर कीजिए कि किस हद तक इन लोगों ने फ्रॉड किया और ईमानदार लोगों का पैसा इन लोगों ने डुबाया। तो बहरहाल आइए शहबाज अहमद खान इसी का खुलासा करते हुए हम अपनी स्क्रीन पे आपको वीडियो दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मैं विजिल ब्लॉगर शहबाज अहमद खान, हैदराबाद यूथ करेज HYC स्कैम की अपडेट देने के लिए आपके सामने हाजिर हुआ हूं। आज की मेरी अपडेट ये है कि 7 मई को हैदराबाद यूथ करेज के पेज पर एक वीडियो अपलोड हुआ था, जिसमें अनवर हुसैन नामी एक शख्स को बताते हुए उनकी वालिदा मोहतरमा की जानिब से एक वीडियो अपलोड किया गया था। उस वीडियो में ये बताया गया था कि अनवर हुसैन के जिस्म में ज़ख्म है और उनको मारतोड़ की गई है और उनके इलाज के लिए इनको पैसों की ज़रूरत है, और उसमें एक अकाउंट नंबर 6208141855 6208141855 और गूगल पे नंबर 9052313635 9708444462 ये अकाउंट नंबर डालकर हैदराबाद यूथ करेज के सलमान और अय्यूब ने लोगों से इसमें पैसे डिपॉजिट करने की, चैरिटी देने की बात कही थी। अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान और बर्रे सगीर के मुसलमानों ने इसमें चैरिटी दिल खोल कर डाली और उनके फर्जंद को एक हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, जिसका नाम श्रीकला हॉस्पिटल कुछ बताया जा रहा है, और वो हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद उनका इलाज हुआ और 8 से 9 लाख रुपए का बिल पे किया गया। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर जब हमने इसकी तहकीकात का आगाज़ किया तो हमें पता चला जिस शख्स का नाम गूगल पे में दिया गया है उसके मोबाइल नंबर अय्यूब, जो HYC के वाइस प्रेसिडेंट है, और एक शख्स जिसका नाम नसीर मोहम्मद खान बताया जाता है, जिसको अनवर हुसैन का रिश्तेदार बताया गया और उनका गूगल पे नंबर दिया गया। अस्सलाम जी, मैं विजिल ब्लॉगर शहबाज अहमद खान बोल रहा हूँ। जी बोलिए। नसीर मोहम्मद खान बोल रहे हैं आप? मोहम्मद खान बोल रहे हैं? नहीं सैयद मोहम्मद खान हूँ मैं। ये अकाउंट नंबर 6208141855 जो अनवर हुसैन जो है, जो पेशेंट का पैसे ये अकाउंट में आए ना भाई? हाँ भैया, अभी तनवीर भैया। और एक बात सुन लीजिए आप, 30 लाख रुपए आए अकाउंट में और लोगों को आधे भी पैसे नहीं मिले, वो बेचारों को। हाँ भैया, तनवीर भैया को अभी बोला हमें, हॉक मीडिया वाले अभी कॉल कर रहे थे, पूरा डिटेल सुनाया हमें, आप उनसे पूछ लीजिए ना, नमाज पढ़ लेते थोड़ी देर। नहीं बातें समझे आप, मैं तो वीडियो बना रहा था, इस वजह से आपसे एक मरतबा रीकन्फर्मेशन कर रहा था। शहबाज खान बोल रहा हूँ मैं। ओके, आपका नाम क्या है? सैयद मोहम्मद खान है। और अकाउंट नंबर 6208141855 आपका ही है? आपका नंबर क्यों दिया भाई पेशेंट के, उसमें आपका क्या ताल्लुक है सलमान से? सलमान मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, है नहीं दोस्त थे, प्रेम से रमजान गीत से बात है, तो रमजान गीत से तो बात ही नहीं है मेरी जी। तो उन्होंने राशन देते थे, वो देते करते थे, तो वो टाइम पे बोलते ना ट्रस्ट जी थे बल्कि पोरूंगा, हाँ वो टाइम पे, और उनमे दोस्त थे बल्कि एक बार बोले थे कुछ पेशेंट को मदद करने का है। हाँ भाई, सात मई को हैदराबाद यूथ करेज के ऊपर आपका फोन नंबर 9052313635 कॉल रिकॉर्डिंग भी है, जब उन्होंने नंबर में गए थे वो, उसका कॉल रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास। हाँ है। आपको कितने पैसे दिए अकाउंट यूज करने के आपके? नहीं मेरे को अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं दिया। फिर नहीं लिया हमें भाई? भाई एक पेशेंट जो है एडमिट होता है,
और उसमें आपका अकाउंट नंबर वो पेशेंट की फैमिली का बोल के दिए ना भाई सलमान वाला हैदराबाद की फैमिली वाले नहीं, खाली मेरे अकाउंट में ऐसे पैसे आते निकाल के दियो और मैं ट्रांसफर कर दो बोले थे उन्होंने। पेशेंट पेशेंट की वालदा भी आपको चेक दिए ना? नहीं नहीं दिए भाई, मोहम्मद खान के नाम पे जो चेक लोग लाके उनको दिए थे आपको डाले ना बैंक में डालो बोल के? नहीं दिए भाई। हाँ नहीं दिए। फिर आप परेशान हो जाते ना बाबा इसमें? नहीं भैया आप सुनिए ना, वो चेक कब हो रहे ना? चेक मेरे को नहीं आया वो अयूब सलमान लोग क्या के लिए कि वो नेमल में। अच्छा आपके अकाउंट में 30 लाख रुपए आए ना? नियरली 30 लाख रुपए। मैं अभी रणवीर भाई को बुला। अच्छा 30 लाख रुपए आप बैंक से क्या करे, ट्रांसफर करे या निकाले? नहीं नहीं हाँ बाएं हाथ निकाल कर मैं लेके जाके दे दूं था। मैं किसको सलमान सलमान को लेके जाके दे दूं था और हिसाब को मैं जीपे कर दूं था। और इसाक इसाक अनवर के भाई। किसके भाई? अनवर अनवर के भाई इसाक है छोटे भाई। अच्छा नहीं भाई एक मिनट, आप सलमान को कितने पैसे दिए, इसाक को कितने? नहीं है, है मैं बुक में लिखा कितना है बोलिए अंदाजा अंदाजा। बुक अभी देखा हूँ देखिए अभी रुकिए भाई। जी हेलो अभी अभी मैं बुक देख रहा हूँ, बुक देख रहा हूँ आना चाहिए मैं मिल गई मिल गई। हाँ बोलिए। नहीं यहीं रखी हुई हमने मामा हमारे उसको ही साफ कर। बोलिए अभी हो रहा हूँ अभी एज देख रहा हूँ। भाई सलमान को कितने पैसे दिए आप? वही देख रहा हूँ भैया अभी देख रहा हूँ पलटा रहा हूँ पेज। हाँ मिल गया बोलिए। देखिए मैं इसाफ का बोल रहा हूँ। मैं इसाफ को मैं 8 तारीख को जीपे करा 1 लाख रुपए। फिर इसाफ को 11 तारीख को 1 लाख रुपए जीपे करा। फिर इसाफ को 12 तारीख को जीपे करा। इसाफ को 13 तारीख को जीपे करा। कितने टोटल कितने हुए? एक 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 लाख। हाँ कितने हुए टोटल इसाफ को? जो पेशेंट के भाई है उनको कितने पैसे गए? 1, 2, 3, 4, 5 5 लाख रुपए जीपे इसाक को करा। बाकी का बैंक कैश ले गया सलमान को दिया और कांका दिया। सलमान कांका दिया आप कैश? कहाँ किस किस को दिए कैश आप? नहीं उनके भाई को ट्रांसफर कर देगा। हमें उनके भाई को ट्रांसफर करो बोले। किसके भाई को? सलमान के भाई को छोड़ो। उसे भाई क्या नाम उनका? फहीम। फहीम फहीम को मतलब कैश दिया आप या ट्रांसफर करे? ट्रांसफर करे नहीं जीपे पे करा। जीपे क्या नंबर है उनका जीपे का? सलमान के भाई का मोबाइल में। क्या नाम क्या है उनका? फहीम। फहीम फहीम उनका जीपीए नंबर क्या है? अभी देख के बोल रहा हूँ। हेलो 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 अभी अभी ऑनलाइन मैं वही देख रहा हूँ। मैं दो नंबर है, दो में से किससे करा वो देख रहा हूँ। मैं दोनों नंबर आ दे दो आप मेरे को। आपको व्हाट्सएप कर दो ना? नहीं खाली बोलो नंबर साथ में कोई लिख ले रहा हूँ मैं। अच्छा ठीक है फहीम एफ। हाँ लिखिए भैया जी। 9999 1259 1595 95 080 080। और एक और एक नंबर बोल रहा हूँ भाई बोलिए। 9515 1538 7373 43 43। तीन तारीख को 70,000 सेंड हुए थे मेरे को जीपे। भाई 5 लाख तो आप ये पेशेंट आमिर हुसैन के भाई को 5 लाख दे दिए। अनवर हुसैन का अनवर हुसैन भाई को क्यों उन्होंने बात कराए थे इसाक बोले थे इसाक है और उन्होंने बोले थे मैं छोटा भाई हूँ हॉस्पिटल में जाके बात कराया। आपको पक्का मालूम है ना छोटे भाई है? हाँ 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 कि उनकी फोटो भी है मेरे। अच्छा एक मिनट भाई आप 5 लाख रुपए इसाक को दिए अनवर हुसैन के भाई को पेशेंट के। हाँ और 25 लाख रुपए फहीम को देना फिर आप हिसाब से। नहीं नहीं देखिए हम पूरे लिखे हुए हैं मैं बुक में। हाँ 3 तारीख को फहीम को 70,000 दिया। 5 तारीख को 1 लाख रुपए दिया। 6 तारीख को 1 लाख रुपए फहीम को दिया।
7 तारीख को 1 लाख रुपए दिया जी। फिर सलमान को बाय हैंड लेके आके भी दिया मैं 50,000 50,000 भी दिया, ऐसे करके 50,000 निकाल के दिया पूरे। और कहा है और पहले तो 50,000 में सलमान के वालदा को दिया था, मैं लेके आके सलमान वालदा को दे दो बोले थे उनके, सलमान की वालदा को दिया। हाँ ऊपर ऊपर घर पे, ऊपर घर पे। और उसके बाद 3 बार सलमान को तीन दिन का मिला के लेके जाके मैं सलमान को दिया था, 13 तारीख को दिया था मैं। जब भाई जुमला 30 लाख में 5 लाख रुपए पेशेंट के, भाई नहीं भाई नियरली 30 लाख है, 29 की 30 की आपका बैंक स्टेटमेंट तो कल आ जाता मेरे पास। आप ले लीजिए, क्या करते कर आप ही दे दो मेरे को बैंक स्टेटमेंट। जी भाई मैं ऑफिस पे रहता हूँ, आप निकाल लो ना भाई। अच्छा मैं निकाल लेता हूँ, छोड़ दो आप। अच्छा ओके, हुसैन आलम के इंस्पेक्टर से बात करके हम आपको आप ये बोलिए मेरे को जुमला 5 लाख रुपए आप हिसाब को दिए बस इतना ही ना, पेशेंट को इतना ही पहुंचे तो लगभग हैंड भी लिए हुए हैं। और शर्मा पूछते क्या मैं जब जब उनको दे भाई, बाकी के जो नियरली 30 लाख में से 5 लाख मांगे तो बचे कितने अब? अब मतलब 30 में से आप 30 बोल रहे, 30 में से 5 गए तो 25, आप वैसा पूछ रहे तो मैं वैसा बोल रहा हूँ। एक मिनट भाई, 30 के लगभग है ना भाई, 29 लाख पकड़ो आप, 20 भी पकड़िए, 32 भी पकड़िए, लेकिन मैं पूरे दे दिया भाई। मैं तो पूरे दे दिया, आप पूरे सलमान को दे दिया। अच्छा दवाखाने में कुछ भरे इसमें? नहीं वो तो लोग ही मालूम, पूरा दवाखाने का बिल तो 8,70,000 रुपए आया आप बोल रहे हैं हॉस्पिटल का। वो लोग वो कुछ भी नहीं पूछा, मैं श्री कला हॉस्पिटल, आप हॉस्पिटल गए कभी आप? नहीं नहीं गया कभी, हॉस्पिटल नहीं गया। आपको ताल्लुक ही नहीं है केस से, आपको मतलब अनवर हुसैन जो साथ में जो पोस्ट करे थे हैदराबाद यूथ करेज वाले, उससे आपको ताल्लुक ही नहीं है, खाली आपका अकाउंट नंबर आपका गूगल नंबर डाले। जी जी जी, अब आपका क्या बोलना है इस मुताल्लुक से? नहीं, भी बोल दीजिए। नहीं नहीं मैं तो दे दिया पूरे, आप मेरे वो चौदह चीजें हैं और कब कब कैसा दिया वो भी पूरे लिखा हुआ है मेरे, क्योंकि इसमें इसमें जो है कोई सऊदी अरब के मुमताज साहब है, उन्होंने भी 1.5 लाख रुपए दिए लेकिन उन्होंने दवाखाने में दिए कहते हैं। हाँ वही वही वो लोग को बाय हैंड कैश भी मिला, बहुत कैश मिला लोग हमारे सबको फंसा दिए ना ये लोग। मैं इस वास्ते आपको क्लैरिफाई कर लिया कि हमारे कंप्लेंट में हम अकाउंट नंबर का नाम डाल रहे थे। मेरे को कोई एक साहब अभी फोन करके बोले ये बच्चा इनोसेंट है शहबाज भाई, इसका नाम मत डालो। मतलब एक मरतबा मैं आपसे क्लैरिफाई कर लूंगा। नहीं नहीं मैं आपको मैं पूरा बोलता हूँ भैया, और क्या क्या है जरा बोल दीजिए आप, क्या क्या है बोल दीजिए आप। बहन भी लिए उन लोग को, उनके मम्मा को भी जो पेशेंट के मम्मा है वो मदर है उनको भी मिला, सलमान लोग को बहन भी मिला, बल्कि मोबिन उनके ग्रुप के HYC के मोबिन। अच्छा उन्होंने ही बोले थे कि के लेडी के लेडी भी मिल रहे हैं और क्या नाम सलमान की अम्मा भी ले ली है। वही पूरे एक ही जगह मिल गया। क्या है यार ये, एक बात बोलो भाई, एक बार भैया और एक बात मेरी बात कंप्लीट करने दो ना जरा। बोलिए बोलिए। मैं आप तो मालूम है आप बड़े हैं मेरे से, तो आइयो मेरे को एक बार बात पैसे देने के टाइम पे पूछे थे कि पैसे निकालो निकालो दम कर दे रहे थे, 50,000 ही निकलते मेरे अकाउंट में से, तो मेरे को बोले थे भाई निकाल के दे देता हूँ क्या करते कर लो, बोलते कुछ ऐसी बातों का मैंने मुंह से ही निकल गया था ये उनके पेशेंट से बात कर रहे थे कि कुछ 30-70 का कुछ इसे बात कर लिए थे बोले थे। अच्छा जी भाई मेरे को क्या बोले थे, नहीं नहीं मेरे को क्या बोले थे पेशेंट सोना बेच के इलाज करा रहा, ये करा रहा वो करा रहा, ये लॉस में है और ऐसे ऐसे बातें करके बोले थे। जी आप ये नहीं पूछे मेरा अकाउंट कहीं को ले रहे हैं भाई, तुम लोग मैं वही पूछा था, मैं घर पे जाके वही पूछा था मैं। नहीं वो लोग बोले थे भाई हम लोग ये कामों में बिजी रहते, तुम फ्री रहते ना, इतना बिजी नहीं रहता ना, तुम निकाल के दियो ना बोले थे मेरे को। मैं करा ये सवाल भी करा था उन लोग से जी। अच्छा निकाल के बोला था, मैं पूरे निकाल के बोला था तुम लोगों का है क्या करते कर लो, आखिरत में जवाब तुम्हें दे लो बोला था, बोले थे आपके बात जी। ये लोग आप बोलो मेरे भाई, अब वचन लूंगा उन लोगों की तायीद कर रही बोल रहे हैं गलत कर रहे हैं शहबाज खान गलत कर रहे हैं। नहीं भैया बोलो आप बोलो, हक का काम कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ मैं, आप बोलिए भाई। आप भी कर रहे हैं उन्होंने भी उन्हों क्या करे उन लोग को मालूम है, अल्लाह उन लोगों को क्या बोलते नहीं वो लोग चोरी करे तो वो लोग खराब काम करें, अच्छा करे तो अच्छा करें, मैं दुआ देता हूँ लोग अच्छा करे तो काम में दुआ दे रहा हूँ मैं, वो लोग चोरी करे तो मैं खुद बतवा देता हूँ ऐसा बोलता हूँ। मगर बोलो पेशेंटों के साथ ये नाइंसाफी करे नहीं करे कमी नहीं। हाँ भाई और ऊपर से वो पेशेंट का भी है नहीं, मुबीन बोले थे कि जो अयुब वीडियो में झूठ बोलने लगा थे कि सोना बेचने लगे थे बोल के, ये मुबीन बोले थे मेरे को। अच्छा जी वो भी झूठ था, वो इमोशनली लोगों से खेलना क्या है यार ये। वही बोला था मैं, वही बोला था मेरे को दिल में बोलते नहीं गिल्टी फील हो रहा। हाँ वो मेरे को फील हो रहा। चलिए लोगों के लिए जो है अल्लाह ताला जो है, चलिए आप इनोसेंट है आपकी रिकॉर्डिंग डाल देगा कम से कम, आपको तो क्लियर कर देता हूँ मैं ये मामले। अरे भैया बोलता नहीं वैसा नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि आप भाई अकाउंट नंबर आपका था तो एग्जाम लोग क्या समझते, आप समझते
और जो चेक का वो रहे नहीं, मैं चेक का परसों भी रिसेंटली नसीर, जो नसीर वो रहे ना आप, हाँ उनका सलमान का नंबर भाई है, डाले थे। हाँ ट्रेजरर है उनके भाई नहीं है, कजन है, कजन नहीं है नो, हाँ उनके क्या सलमान है, के साथ रहते हैं नो, साथ रहते हैं उन्होंने सलमान के कमेंट के उन्होंने। है, सलमान के दोस्त के छोटे भाई है अच्छा सलमान के दोस्त के छोटे भाई है उन्होंने। जी, मतलब फैमिली एज अ फैमिली मेंबर के साथ ट्रीटमेंट होगा। ट्रेजरर भी है ना भाई, होटल होटल में काम करता बच्चा हो, स्वागत वागत क्या है, होटल है कुछ हो, नहीं, होटल में काम करते हैं ना उन्होंने। नहीं 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 भाई, सलमान के साथ ही रहते, जिम के नहीं जिम का नहीं, मालूम है नहीं उनका। सुचित्रा होटल में काम करते थे उन्होंने, नहीं, क्या नाम है, नसीर। नसीर है, सो सलमान के जिम संभालते, अच्छा जो जिम था जो बंद हो गया सो। घर के सामने ही है सो। हाँ क्या काम करा भाई बच्चा है, अल्लाह अल्लाह हिफाजत अल्लाह करे वालम भाई। भाई। और इवन ये मेरे को पहले से ही शक था कि लोग जो वे में बात करते थे, ये पे मेरे को डॉट भी आया था ओके, पर ये लोग सही यूज नहीं कर रहे आपका पैसे। अकाउंट यूज कर लिया, आपको जो है हाँ फंसा देने की चक्कर थी, लोग अल्लाह बचा लिया इवन आपको, वीडियो चलिए भी एक वीडियो भी बनाए थे कि अकाउंट अकाउंट नंबर गलत बोला, अकाउंट नंबर और मेरा नंबर मोबाइल नंबर गलत बोले थे वीडियो में। मैं हाँ बोला था स्कैम में अटकता हूँ, मैं स्कैम रहता ये स्कैम में अटकता हूँ ये भी बोला था मैं, कि अबू एमएल के भांजे भी थे उनको भी बोला मैं, और रिसिप्ट बना के साइन लेके दियो वही बोला था मैं लोग को, और मेरे को चलिए नंबर ओके, ताला तुम ही रख लो तुम्हारे आपसे पास बोला बात था मैं करने का लोग को। शुक्रिया भाई, मैं वीडियो बना रहा था, तफसीलात बोल रहा हूँ मैं, चलिए ओके, ठीक है भाई, जजाकला, अल्लाह अल्लाह। जर्मिनटन हॉस्पिटल, ऑर्थोपेडिक से मुतालिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गायनेकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल, वाजबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आ रास्ता जर्मिनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।